नमस्कार। इजराइल में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, हम रोज यही सोच रहे हैं कि ये कब खत्म होगी, क्योंकि इस युद्ध की वजह से न जाने कितनों ने ही अपने घर गंवा दिए, अपनी जानें गंवा दी। लेकिन नंबरों की दृष्टि से देखें तो ये एक्सट्रीम नहीं है। ये अगले साल 2024 जो कि शनि से रूल होगा, उसके सिर्फ एक ट्रेलर है। अगला साल ऐसे कई युद्धों और कई कॉन्फ्लिक्ट्स को दर्शाता है। न्यूमरोलॉजी में जब भी नंबर 15, नंबर 4 या 8 के संपर्क में आता है तो वो कोई ना कोई तबाही जरूर फैलाता है। और इसे आप कोइंसिडेंस कहें या न्यूमरोलॉजी, इजराइल नंबर 15 पे जुड़ के आता है और फिलिस्तीन नंबर 8 पे। सिर्फ यही नहीं, लीबिया और सीरिया ये दोनों ही नंबर 8 पे जुड़ के आते हैं। तो अगले साल सन 2024 में अगर हम ये कहें कि ये ऐसे कई कॉन्फ्लिक्ट्स का साल होगा तो ये गलत नहीं होगा। और कई युद्ध, कई कंट्रीज में आपस में कॉन्फ्लिक्ट, आपस में युद्ध के जो स्थिति है वो दिखाई दे रही है। सिर्फ इजराइल ही नहीं, चाइना और कनाडा भी इस श्रेणी में आते हैं। ये नंबर 15 पे ऐड होके आते हैं। तो ये जो 6 नाम मैंने लिए हैं, चाइना, इजराइल, कनाडा, फिलिस्तीन, लीबिया और सीरिया, ये सभी कहीं ना कहीं 15 और 8 पे जुड़ के आते हैं। अगर हम अपने देश की बात करें, भारत, तो भारत नंबर 15 पे जुड़ के आता है, चाइना और कनाडा की तरह, इजराइल की तरह। तो क्या आने वाला साल 2024 भारत में भी ऐसे ही वॉर के संकेत लेके आ रहा है? देखिए, जब पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं युद्ध हो रहा है या संकट बना हुआ है तो उससे हर देश प्रभावित होता है। और अगर मैं कहूं कि आने वाला साल इंडिया में भी कुछ ना कुछ संकट, चाहे वो दंगे हों, राजनीतिक समस्याएं हों या कुछ और, ये बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि इंडिया अगले साल अपने 77वें साल में होगा, जिसका टोटल आता है नंबर 5, और 5 रूल करता है मर्क्यूरी को। ये एक रिकवरी का नंबर होता है, फ्लेक्सिबिलिटी का नंबर होता है, अडेप्टिबिलिटी का नंबर होता है। तो इन युद्धों का प्रभाव या युद्ध जैसे स्थिति भारत में भी बनेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि इंडिया अपने रिकवरी के नंबर में होगा, नंबर 5 में, तो वो अडेप्टिबिलिटी और वो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से भारत पे प्रभाव काफी कम होगा, या हम ये कह सकते हैं कि जो भारत में है वो काफी सुरक्षित होंगे। अपने रिकवरी पावर की वजह से, अपने 5 नंबर की वजह से इंडिया अपने आप को काफी हद तक बचा तो लेगा, लेकिन ये अपने अगले साल में, अगले साल 2024 15 अगस्त के बाद भारत अपने एक और बेहतरीन फेज में चल पड़ेगा, जहां बाकी देश अपने उस संकट से जूझ रहे होंगे, उससे उबर रहे होंगे, वहीं पे इंडिया, वहीं पे हमारा देश भारत अपने आप को आगे बढ़ा रहा होगा। तो ये एक अच्छा साइन है। लेकिन जो नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला है, या इंडिया में अगर मैं कहूं कि दंगे हो सकते हैं, राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, आम लोगों को परेशानी हो सकती है, वो अगले साल कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव जरूर देगा। लेकिन इंडिया अपने आप को रिकवर कर लेगा। सो ये वीडियो सिर्फ ये बताने के लिए है कि ये जो युद्ध चल रहा है, ये मात्र ट्रेलर है। अगले साल ऐसे कई संकट, ऐसे कई समस्याएं हमारे देश के साथ साथ बाकी कई देश झेलेंगे। हमें सिर्फ सतर्क रहना है और ये प्रार्थना करनी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित रहें। नमस्कार।